हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय तिरंगे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इस ध्वज को तीन रंगों से बनाया गया है, हरा, सफ़ेद और केसरिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है और बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 24 डंडियां होती है। संसद भवन एकमात्र ऐसा भवन है जहां पर एक साथ तीन राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा खादी, कॉटन या सिल्क का बना होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाना गैरकानूनी है। आज जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आप देखते हैं, इसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराया था। क्या आपको पता है, सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़ सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे। समय के साथ साथ भारत के ध्वज को कई बार बदला गया है। पहली बार भारत के ध्वज को स्वामी विवेकानंद के शिष्या भगिनी निवेदिता ने सन 1904 में बनाया था। भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया इस ध्वज को 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के ग्रीन पार्क में कांग्रेस अधिवेशन के वक्त फहराया गया था। अभी आप जिस ध्वज को देखते हो, इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। उस समय हमारे ध्वज में गांधी जी का चरखा हुआ करता था, लेकिन 22 जुलाई 1947 को इस चरखे को हटाकर अशोक चक्र को सम्मिलित किया गया। नीचे आप उस ध्वज का एक चित्र देख सकते हो। उस समय इस ध्वज को स्वराज ध्वज कहा जाता था, जिसे आधिकारिक तौर पर 1931 में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। इसी प्रकार की जानकारियाँ लेने के लिए देखते रहें हमारा रोचक फैक्ट्स चैनल। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।